ये भाई इधर खड़े एक है भाई, बता रहे हैं ना हाँ। उन्होंने भी नहीं खाने, नहीं बता ये देखें, मैं आपको मिर्च की तरह सुरख हो जाता है जब ये पक जाता है, ये देखें बाजी अपने आए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाजी पूरी ना पड़ती है, बाजी अपने आए, हां बाजी अपने आए। ये देखें भाई ये थल की जो ट्रेडमार्क है ना वो ये है कि आप चलते चलते ना चलते चलते ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद बाली और आप देख रहे हैं एडवेंचर विद बाली। जी आज हम मौजूद हैं अपने शहर हडाली में और एडवेंचर ये है कि आज हम करेले लेने आए हैं और वो भी जंगली। ये देखें उसकी बेलें लगी हुई हैं और अब आप ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें मिल जाए, क्योंकि ये सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है, शुगर के मरीजों के लिए भी। और यहाँ पे अब हम घूम के देख रहे हैं, तीन अफराद ये हमारे साथ साबिर भाई हैं और ये मोहम्मद खान है भाई। ये है तो ये जो होता है ना ये है तो लेकिन बेचारा बहुत छोटा है, आप ऐसा कह सकते हैं बहुत छोटा है, है सही बहुत छोटा है। देखते हैं कि कोई मिल जाए, ये देखें चलें, ये देखें ये हमारा थल है, ये एरिया आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत, शाम का वक्त है, सूरज ग्रूब होने वाला है और यहाँ पे हम आए हुए हैं, जंगली बूटियाँ काफ़ी लगी हुई हैं, कड़तुम्मा भी और ख़ास तौर पे जिसके लिए हम लोग आए हैं। हाँ भाई साबिर भाई आगे कितना जाना है? नज़दीक ही है भाई, पहले वो हम वहाँ पे अपना बाइक खड़ा करके ये पूरा एरिया क्रॉस करके यहाँ तक आए हुए हैं और अभी भी हमें आसरा दिलाया जा रहा है कि नज़दीक ही है। चलें जी देखते हैं, अल्लाह करे आज मिल जाए। ओए ये भाई हमारे पास मिला, इसके ऊपर है सही वैसे है ना, इसके ऊपर खड़े हैं एक भाई, ये है इसके ऊपर है भाई, ये देखिए भाई ये भाई साबिर भाई ने काफी ज्यादा कर ली है, बहुत ज्यादा इकट्ठे कर लिए। ये देखिए आपके सामने पड़ा हुआ, आपको नजर ही नहीं आ रहा जो आप करेंगे भाई वो कोई नहीं, इंशाल्लाह एक का तो फायदा हो ही जाएगा ना, हां इंशाल्लाह। पर बाजी अपने आए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाजी पूरी ना पड़ती, पर बाजी अपने आए, हां बाजी अपने आए। ये भाई इधर खड़े एक है भाई, और ये चीज़ आपको मार्केट में बहुत ही नायाब है, बल्कि नायाब क्या मिलती भी नहीं है, और ये शुगर के मरीज़ ख़ास तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं और वैसे भी इसका सालन बहुत अच्छे से बनता है। हाँ भाई मोहम्मद खान साहब ये तो बिल्कुल नहीं खाते, ये जो है ना हमारे सामने है, इनके वाले साहब गिला कर रहे थे कि भाई ये मैं घर लेके जाता हूँ ये चखते भी नहीं है। हाँ भाई आपको पसंद नहीं है? नहीं यार हमें बड़ा पसंद है, हमें मिलता नहीं है भाई, जिनको आप बता रहे हैं ना हाँ। उन्होंने भी नहीं खाने, नहीं बता मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ इसको उर्दू में क्या कहते हैं? किसको? करेला है भाई ये जंगली करेला है, आपको पता ही नहीं है? नहीं पता। इसको जंगली करेला कहते हैं, ये जंगल में पाया जाता है इसकी। तो ये अब ये कोई आबादी है, ये जंगली तो है, दूर बेयाबान इलाका ये। एक और मिल गया, दो कट ये जुड़वे हैं भाई, लब्बे खले नहीं नहीं काफी ज्यादा, इधर काफी ज्यादा है भाई, इधर नहीं आया जो भी है ना, ये बच गई ये जगह, इस वजह से इधर कुछ जो खड़े हैं वो मिल जाते हैं वैसे। हाँ ये भाई एक ये खड़ा है रावण यहाँ बहु निके यार, अब क्या करें मिल ही नहीं रहे, ये पक्के पड़े हैं भाई, पक्के हुए तो उधर पीछे भी खड़े थे ये भाई, नीचे नजर आ रहे हैं मैं एक भाई, ये मिल गए ये नीचे काफी ज्यादा है लेकिन हैं छोटे छोटे लाइक दिस वन। किधर खड़े हैं उस साइड पे? हाँ वो मगरिब वाली साइड पे,
अच्छा ये देखें बिल्कुल मिर्च की तरह सुरख हो जाता है जब ये पक जाता है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, वैसे रंग कितना प्यारा है इसका, इसके अंदर से बीज ही निकलेगा। ये देखें यार बहुत प्यारा है, अमेजिंग। ये भाई ये खड़ा है, ये खड़ा है। ये भाई देखते देखते हम पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल आए हैं। और यहाँ जो ये भाई एक नीचे पड़ा हुआ है, यस यस। नहीं नहीं यार वैसे कह रहा था। ये देखें भाई ये थल की जो ट्रेडमार्क है ना वो ये है कि आप चलते चलते ना चलते चलते ऐसे चिपक जाते हैं जितना मर्जी आप बचाएं। और इतना मैंने किया है, साबिर भाई आप ऊपर करें कितना। मैंने भी इतनी काट ली। हाँ चल ये मेरी भाई बांझे 200। नहीं मेरा लगता साहब ज्यादा होगा। हाँ 200 नहीं ज्यादा है भाई आपका, ज्यादा 400 भाई ग्राम है भाई, 300-400 ग्राम होगा। देख लो ना 500 ग्राम नहीं। ले जी ये है हमारा थल वाला एरिया और ये अभी तक हम कर चुके हैं इतनी मेहनत और इतनी देर लगाने के बाद। ये देखें देखते हैं कितना मिलता है शाम का वक्त। ये जैसे देखें पीछे हमारे सूरज ग़ुरूब हो चुका है। जब हम यहाँ से जाते वक्त गुजर रहे थे तो कोई जो है ना यहाँ नहीं था और बड़ी खूबसूरत अब कल्टीवेटर लगा के गए हैं यहाँ पे, हल्की एक किस्म है। और अब हम यहाँ से वापसी की जानिब गामजन है क्योंकि अंधेरा। ये भाई बाजरा लगा हुआ है हमारे साबर भाई। ये किसका है भाई? उमर बाली साहब का। ले जी उमर बाली आप देखेंगे हम आपकी इजाजत के बगैर तोड़ रहे हैं। पक्का खोले ये भाई बाजरा खाने का तरीका। ये सबसे पहले भाई और ये तुम्हें लगता कच्चा है? कच्चा है ना ये तो भी कच्चा है ना। इसमें अगर चीनी डाल के खाए ना तो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। जी अब हम थोड़ा बहुत ये हमसे हो सका ये अब हम तोड़ के वापस जाने लगे हैं। और ये कारस्तानियां कर रहे हैं हमारे साबिर भाई। साबिर भाई इधर देखिए ये बाजरा जो है ना कोशिश कर रहे हैं वो भी कच्चा। तो देखते हैं एडवेंचर विद बाली, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।